अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और रमज़ान सबके बिल्कुल बेहतर गुजर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि मैं हमेशा हर साल जो है वो बच्चों की ईद की शॉपिंग चीज़ वैल्यू से कर लेती हूँ। मतलब उसके अंदर रीज़नेबल से रीज़नेबल भी आपको आइटम मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने स्क्रॉल करी और वहाँ पर मुझे बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें उस पर जो है वो नज़र आ रही थी। तो ये देखें, ये जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ये शूज़ हैं 700 रुपये में, पम्प्स मिल रहे हैं, वेस्टकोट मिल रही है 1000 रुपये में, जेंट्स का ये शलवार कुर्ता मिल रहा है 1400 रुपये में, वॉफल मेकर मिल रहा है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है, बच्चों के सूट्स मिल रहे हैं, इसमें बॉयज़ के भी हैं गर्ल्स के भी हैं, और ये बड़ी ही खूबसूरत सी बिल्कुल कंफर्टेबल सी जो है वो स्लीपर्स मिल रही हैं, सॉफ्टीज मिल रही हैं मेंस की, फुल सूट मिल रहा है, स्टिच सूट मिल रहा है, अनपीस अनस्टिच मिल रहा है, थ्री पीस सूट है। और ये है कि इस तरह से यहाँ पर आपको जेंट्स की जो है वो पेंट शर्ट मिल जाएंगी, ऑफिस शर्ट्स मिल जाएंगी, वॉचेस मिल जाएंगी 500-600 रुपये में। यार इससे क्या मतलब, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मतलब इसकी क्वालिटी भी बेहतर है, अगर आप लोकल मार्केट से किसी और मार्केट से जाकर लेते हो तो आपको इससे ज़्यादा दाम में भी चीज़ें मिलती हैं। और दूसरा ये कि क्वालिटी नहीं होती है इसमें, यहाँ पर है कि आपको रीजनेबल प्राइसेस में भी चीज़ें मिल रही हैं और इसमें आपको क्वालिटी नज़र आएगी। ये इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है लोकल मार्केट में और एक ये स्टोर्स में, ब्रांड स्टोर में। इसमें देख लीजिए, इसमें आपको कोल्हापुरीज और जो है वो बच्चों की शर्ट्स, किड्स वेयर, यहाँ पर आपको मैक्सीज मिल जाएंगे, अबायस मिल जाएंगे, ऑफिस शूज मिल जाएंगे, लोफर्स मिल जाएंगे, फ्रॉक्स मिल जाएंगी। मतलब हर एक आइटम जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो, ये आपको लॉकेट मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ पेंडेंट के साथ 400 रुपीज़ में। इसमें आपको लोशन मिल जाएंगे, स्किन केयर मिल जाएंगी, ठीक है ना, और पर्सेस वगैरह बैग्स वगैरह मिल जाएंगे 1899-1900 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्लीपर्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर स्किन केयर प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी, जिनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी लेस पर लगाई हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो न्यू बॉर्न आइटम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक आइटम्स के अलावा यहाँ पर आपको जो है वो स्टिच सूट हैं, चार्जर्स हैं, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी आपको मिल जाएंगे। इस तरह से पोर्टेबल आइटम्स भी मिल जाएंगे। ये है कि आपको जो है वो जेंट्स वेयर और लेडीज वेयर में भी बहुत खासी वैरायटी आपको मिल जाएगी। और ये है कि आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, आप लोग ज़रूर जिनको इस वेबसाइट के बारे में या इस पेज के बारे में नहीं पता है तो आप लोग ये विज़िट करें और आप लोग को, आप लोग के हिसाब से, आप लोग के रेंज के मुताबिक जो है वो, अभी चूँकि ईद भी आने वाली है और ईद पर सबको बैक शीट्स चाहिए होंगी, तो बैक शीट्स पर भी एक ह्यूज वैरायटी है इनके पास, बहुत प्यारी वैरायटी है। और मैं भी पर्सनली बैकशीट यहाँ से ख़रीद कर आई हूँ, तो बहुत प्यारी है बैकशीट भी और प्राइसेस भी बहुत अच्छे हैं इसके। मतलब रीज़नेबल प्राइसेस में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको परफ्यूम्स में ब्रांड्स के भी मिल जाएंगे और लोकल ब्रांड्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपको ब्रांड्स भी मिलेंगे और लोकल ब्रांड्स भी मिलेंगे। इसी तरह इसके अंदर शूज़ है, बैग्स है, मेकअप्स है, इसके अंदर फुटवेयर है, इसमें सबको आपको ब्रांड्स भी मिलेंगे और अनब्रांड भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर वाउचर्स भी हैं, यहाँ पर प्ले एंड विन भी है, यहाँ पर इतनी मुख्तसर मतलब शॉपिंग करने पर आपको इतने का डिस्काउंट भी मिलता है और कुछ वाउचर्स मिलते हैं और लकी ड्रॉ में नाम आता है। और बहुत से लकी ड्रॉ के नाम तो मैंने खुद देखे हैं कि खुद निकले हैं वहाँ पर, मैंने खुद मैं गई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पर उन लोगों के जो है वो लकी ड्रॉ के पर जो है वो उनके इनाम निकले थे, ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा वेबसाइट का रिव्यू करवाना चाहती थी और जो है वो करवा भी रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, क्या इस वीडियो को देखकर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा वो लोग जो इस स्टोर पर जा चुके हैं, जो कराची से हैं या कराची से बाहर भी हैं। आई थिंक कराची से बाहर भी इसकी ब्रांचेज हैं चेंज वैल्यू की, तो मुझे ज़रूर मेक श्योर कीजिएगा कि कराची से बाहर के ब्रांचेस किस तरह की हैं, और अगर कराची में हैं तो कराची की कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट ब्रांच है। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है वो उस बेस्ट ब्रांच में जाकर जो है वो एक व्लॉग बनाया जाएगा,
आप लोग की राय का जरूर जो है वो वेट करूंगी। मुझे जरूर बताइएगा कि कौन कौन इस स्टोर पर जाकर शॉपिंग करता है और किसने शॉपिंग कर ली है और किसको वहाँ का एक्सपीरियंस, माहौल और प्राइजेस किस तरह के लगे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये है कि उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।